प्रातः स्मरणीय संत सम्राट सदगुरु कबीर मंचासेन पूज्य संत श्री जय स्वरूप साहेब जी और मंच पर उपस्थित तमाम संत महापुरुषों, सत्संग समारोह में उपस्थित देवियों देवताओं, आगमन ही प्रस्थान का कारण होता है और जन्म ही मृत्यु का कारण होता है, फरना ही झरने का कारण होता है और बरना ही बुताने का कारण होता है, दोस्ती ही दुश्मनी का कारण होता है और बढ़ी ही तेरी का कारण होता है और भजना ही तजने का कारण होता है। फिर किसका भजन किया जाए? सदगुरु कबीर तमाम दुनिया के लोगों से पूछा कि ये दुनिया के लोग, तुम्हारा हित कौन है जिसका भजन किया जा सके और तुम्हारा दुश्मन कौन है जिसको तज दिया जा सके? ये भजन तजन के बीच में आज सारी दुनिया के लोग नफरत की जीवन जी रहे हैं। मुसलमान को अगर फ्री कर दिया जाए तो हिंदू के मंदिर में वो गाय का रान फेंक देगा और हिंदू को फ्री किया जाए तो मुसलमान के मस्जिद में सूगर फेंक देगा, सिख को फ्री किया जाए तो ईसाई के गिरजाघर को ही जला देगा और ईसाई को फ्री किया जाए तो सिख के गुरुद्वारा कोई बुलडोजर से ढा देगा। ये चारों आपस में राग द्वेष की अग्नि में जल रहे, भजन किधर हो रहा है और भक्ति किधर है? अभी मुसलमान सबका रोजा चल रहा है, एक भी हिंदू रोजा करने वाले नहीं है और हिंदू का जिस समय रामनवमी चल रहा था एक भी मुसलमान रामनवमी करने वाले नहीं थे, तो राम मुसलमान का क्या बिगाड़ा और अल्लाह हिंदू का क्या बिगाड़ा? ये सारा झूठी भक्ति और झूठा ढोल बजाना और झूठा हल्ला करना, हिंदू भी राग, हिंदू तो राम के भजने वाले रावण को गाली पड़ते हैं, रावण क्या बिगाड़ा? आपका बैगन तोड़ लिया क्या कि मकई का भुट्टा तोड़ लिया रावण? आज रावण के पुतला फूंक के लोग ताप रहा है और राम का गीत गा रहा है। कृष्ण के भजने वाले कंस को गाली पड़ते हैं और पांडव के भजने वाले कौरव को गाली पड़ते हैं। क्या भजन है? सारे लोग राग द्वेष में जल रहे हैं। जब तक राग द्वेष में जलेंगे तब तक आना जाना बंद नहीं होगा। मां के गर्भ और श्मशान, ये दो जगह, आना जाना आपका नहीं रुकेगा, सुख नहीं आएगी जीवन में, शांति नहीं आएगी जीवन में, मोक्ष नहीं होगा आपका जब तक आपके अंदर एक दुल्हन रो रही है और रो के कह रही है ससुरे के भेजबो संदेश नैहरवा में आग लगी। नैहर में लगी है आग, अब ससुराल को सूचना दे रही है, इसलिए कि औरत के लिए दो विकल्प है, एक नैहर और एक ससुराल, तो नैहर में लगी आग अब ये ससुराल जा रही है। आग लगाया किसने? सदगुरु ने ज्ञान आग लगाया। आग कैसी लगी? तो ज्ञान और विवेक की आग लगी। नैहर क्या है? यही काया। और दुल्हन कौन है? यही जीव। ससुराल को सूचना भेज रही, आग जो लगी उसमें जले कौन लोग? तो दुल्हन कह रही है नाई जरी गए बारी जरी गए मिट गए आवाजाही,
नाई जरी गए बारी जरी गए मिट गया बाजाई। नाई माने होता है नौवा, केस काटने वाला, और वारिसान माने होता है गार्जियन। एक लड़की जुबती है विवाह करने योग्य, उस लड़की पर नौवा की दृष्टि पड़े तो नौवा के मन में उस लड़की को देखकर राग होगा, राग सुख, ये लड़की विवाह करने योग्य हो गई, इसका विवाह होगा तो उसमें हमको आमदनी होगा। और जवान बेटी पर पिता का नजर पड़े उसको क्या होगा, द्वेष, वो जलेगा जवान बेटी को देखकर, अब मेरा जमीन बिकेगा, सुद भरना लगेगा, मवेशी बिकेगी, कर्जा लेना होगा। लड़की एक है, नौवा का नजर पड़े तो नौवा के मन में सुख है और लड़की के पिता के मन में दुख है। नौवा के मन में राग है और लड़की के पिता के मन में द्वेष है। लेकिन जब सदगुरु ने ज्ञान विवेक की आग लगाई इस काया रूपी नैहर में तो नौवा भी जल गए और लड़की के पिता भी उसी अग्नि में जल गया, अर्थात राग भी जला और द्वेष भी जल गया। तो दुल्हन कह रही है मिट गए आवाजाही, तो नैहर और ससुराल का आना जाना समाप्त हो रहा है, क्यों, तो राग जल गया और द्वेष, यही राग द्वेष के कारण, यही हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के कारण हमारा बार बार गर्भ में जाना और बार बार श्मशान जाना हमारा चल रहा है। और सारी सृष्टि के तमाम ये माता लोग जितिया करती है, एक भी मुसलमानिन जितिया करती है, मुसलमानिन उसको बेटा नहीं है, इसको जितिया करके तीन गो बेटा है, अमिया इनके बिना जितिया के 19 गो बेटा, कहां गया जितिया, कहां गया ये छठ किया, एक भी मुसलमान इन छठ नहीं किया। अभी मुसलमान का ईद होगा, एक भी हिंदू ईद नहीं करेगा। सच्चाई तो कबीर के बानी में है, कहीं सच्चाई नहीं है, सारे झूठा रोजगार चल रहे हैं। अगर सच्चाई होता तो एक भी हिंदू रोजा नहीं रखा है, सारे हिंदू का खात्मा हो जाता, सारे हिंदू सत्यानाश हो जाते, अगर अल्लाह सही होता तब। कहीं कुछ नहीं है, सिख हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब जी रहे हैं, सबके पास बाल बच्चे हैं, सबके पास खेती बाड़ी है, सबके पास बिजनेस व्यापार है, सबके पास नौकरी चाकरी है और सब जी रहा है, सब कुछ बराबर है। भगवान वाला दस्तावेज चार हो गया, हिंदू भी भोजन करते हैं, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, ये भी पानी पीते हैं, वो भी पानी पीते हैं, इनके पास भी बेटा बेटी है, उनके पास भी है, इनके पास भी जमीन मकान है, उनके पास भी है, इनके पास भी बिजनेस व्यापार है, उनके पास भी है, ये भी बीमार पड़ेंगे तो दवा चाहिए, मुसलमान सिख भी बीमार पड़ेगा तो दवा चाहिए, सब कुछ, सारा दस्तावेज जीवन का बराबर है, केवल भगवान वाला दस्तावेज अलग अलग हो गया। वो अल्लाह को मान रहा है। मैंने एक मुसलमान से कहा गया, ए मौलवी साहेब, नरेंद्र मोदी 3 तलाक हटा दिया, अब बाबरी मस्जिद ढा दिया, तेरा अल्लाह कहां मसल्ला पीस रहा है, अभी तक के आया नहीं, कुछ किया नहीं। अरे झूठा सब, भक्ति चल रहा है, राग द्वेष में सारी सृष्टि जल रही, राम के भजने वाले रहीम से जल रहे हैं, कृष्ण के भजने वाले करीम से जल रहे हैं, महादेव के भजने वाले मोहम्मद से जल रहे हैं, और हरि के भजने वाले हजरत से जल रहे हैं, और ब्रह्मा के भजने वाले बिस्मिल्लाह से जल रहे हैं, और मोहम्मद अली के भजने वाले बजरंग बली से जल रहे हैं, मक्का जाने वाले मथुरा से जल रहे हैं, और काशी जाने वाले कावा से जल रहे हैं, और गंगा नहाने वाले जमजम से जल रहे हैं। ये जलन केवल धरती पर है, न कहीं भजन। एक आदमी रात हमको बिस्कोपरा मिल गया, वो कहा हम तो शिवालय बनाए हैं, हम कि शिवालय शिव जी से कुटमैती है क्या तोरा,
और उसका बड़का भाई ब्रह्मदेव है और मझिला भाई बिशनदेव से कोई दोस्ती नहीं है। अगर गांव में तीन भाई हो और एक भाई के भोज खिला दीजिए न्योता दे के, दो भाई को छोड़ दीजिए, वो दोनों भाई आपसे दोस्ती करेगा क्या? दोस्ती करेगा दोनों भाई? तो ब्रह्मा जी तीन भाई हैं महादेव जी, बड़का भाई से कोई दोस्ती नहीं है, मझिला भाई से कोई लेना देना नहीं है, अब महादेव जी से दोस्ती है, मंदिर बना लिए। तो महादेव का मंदिर आपने बना लिया तो आपसे विष्णु क्यों खुश रहेंगे, आपसे ब्रह्मा क्यों खुश रहेंगे? हनुमान का मंदिर आपने दरवाजे पर बना लिया तो राम क्यों खुश रहेंगे आपसे, कृष्ण क्यों खुश रहेंगे, शोखाकारिक धर्मराज और दीना भद्री आपसे क्यों खुश रहेगा? उसका मंदिर तो आपने नहीं बनाया। तो मुक्ति कैसे चाहते हैं आप, कल्याण कैसे चाहते हैं? इसलिए कि देवताओं की कल्पना 56 करोड़ की गई है। और आप पूजा कितना का करते हैं? किसी मनुष्य से पूछिए कि कितने भगवान का वो पूजा कर रहा है अभी तक। अब भगवान है कितना? एक घर में 25 वो आदमी हो, एक घर में 25 आदमी हो, अब 5 को भोजन मिले और 20 को भोजन ना मिले, वो घर रहेगा कि जलेगा? वो घर बचेगा कि जलेगा? आप कितना का भजन कर पाते हैं उसका भगवान का नाम जरा गिनाइए तो। कोई आदमी उठ के खड़ा होइए और 50 को भगवान का नाम गिनाइए कि 50 को भगवान के हम भजन करते हैं। छोड़ दीजिए 55 करोड़ और 99 लाख और 990 देवता को छोड़ दीजिए, 50 को देवता का नाम हमको गिना दीजिए। सारे लोग राग द्वेष में उलझ रहे हैं। जिसका भजन करते हैं राग में, मान लिया जाए कि राम का भजन आपने किया है तो आप मरेंगे तो 2-4 नदी भगवान राम आपको पार करेंगे, अब 5वां नदी पर अगर रावण मिल गया तो सारा मिर्गी आपका ठीक कर देगा उसी जगह, तब आप पार कर लीजिएगा। कैसे पार होता है? 2-4 नदी कृष्ण पार करेंगे और 5वां नदी पर कंस मिल गया तो राम होंगे तो रावण भी होगा, और कृष्ण होंगे तो कंस भी होगा, और पांडव होंगे तो कौरव भी होगा। ये भी कल्पना कर लीजिए मन में कि तो किसकी भजन होनी चाहिए, किसके भजन से हमारे जीवन में सुख आएगा, शांति आएगी, मुक्ति होगा। बोलिए, कहीं नहीं, सारे लोग राग। कबीर साहब कहते हैं, कबीर यह जग जलते देखा अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रही लाग। साहब कबीर ने कहा सारी सृष्टि के लोग जल रहे, शीतलता कहीं नहीं, किसी के पास शीतलता नहीं कि वहां मैं जाऊं और अपना कल्याण करूं। शीतल व्यक्ति के पास सारे लोग, कहा ना कि लाल कपड़ा वाला उजड़का से जल रहा है। कहिए बोलिए सदगुरु देव की जय, तो ललका कुर्ता वाला कहेगा इसमें जय नहीं कहना है, ये अपन वाला ना है। कौन तरेगा? रमानंदी तरेगा कि कबीरपंथी की, आर समाज की, आनंद मार्ग की, गायत्री परिवार की, बाल जुगेश्वर की, सतपाल जी की, सदा फल देव जी की, रामपाल जी की, बाबा में ही की, सदा फल देव जी की, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, भगवान रजनीश की, बाबा हरदेव सिंह जी की, राम रहीम सिंह जी की, ओम शांति की, राधा स्वामी की, आशुतोष जी महाराज की, जैन की, बौद्ध की, ईसाई की, इस्लाम की, यहूदी की, पारसी, तरेगा कौन? इतना धर्म निकाल करी गुरुआ सब ये भोली भाली जनता के साथ 400 BC किया है। सारी जनता दिग्भ्रमित में पड़ा है कि कहाँ जाए और किसका भजन करें और कैसे हमारी मुक्ति होगी। ये पंथ बना बना कर अपना केवल माल पसाने के चक्कर में सबको बर्बाद करके रखा है, तोड़ तोड़। अभी पता है संत मत में से वो कोपर और निकला है, वो कौन कोपर है? गुरु मत। ये छितियानंद जी महाराज ये गुरु मत उसमें से कोपर निकाला है, ये गुरु वही धंधा है, धंधा चला रहा है लोग, और नाना प्रकार के पंथ बना बना करके जाल बिन बिन करके आई भोली भाली जनता को सबको उलझा रहा है। हम कहते हैं वहां मुक्ति मिलेगा,
हम अभी हम सवेरे आ रहे थे घूम करके, तो जय गुरुदेव वाला फोन किया है फरुखाबाद से। हम कि आप कहां से बोल रहे हैं? फरुखाबाद से। क्या बात है? कहा कि हम जय गुरुदेव के मानने वाले हैं। जय गुरुदेव में अब चार गो पंथ हो गया, उमाकांत बाबू का अलग हो गया, रतन बाबा का अलग हो गया और पंकज यादव का अलग हो गया है, सतीश यादव का, चार गो पंथ। अब मैं किस में जाऊं? हमसे कहा मैं किस में जाऊं? हम कहा जो बाबा जय गुरुदेव का मेन मठ था वहां चले जाइए मथुरा। कहा ठीक कहा आपने, मैं मथुरा से जुड़ जाता हूं, वहीं मैं रहूंगा। ये क्या तमाशा! एक लड़की फोन किया फरुखाबाद से और आगे। मैंने पूछा तेरा नाम क्या है? कहा कल्पना मिश्रा मेरा नाम है। क्या कहना चाहती हो? तो आपका प्रवचन यूट्यूब पर मैं सुनी हूं। मैंने पूछा तेरा उम्र क्या है? कहा 30 बरस। बच्चे कितने हैं? मात्र एक लड़की है। क्या कहना चाहती हो? तो आपके प्रवचन से लगा कि कबीर 52 अक्षर के बाहर थे। मैंने कहा बिल्कुल, अक्षर तो जीव के बाद अक्षर है। जितने भी शब्द हैं, अगर मनुष्य नहीं होता तो शब्द की उत्पत्ति कहां से होती? साहब कबीर कहते हैं 5 तत्व का पुत्रा युक्ति रचा मैं कीव। अब मैं तो ही पूछो पंडिता, शब्द बड़ा की जीव? बड़ा जीव है कि शब्द है? अगर जीव एक भी धरती पर नहीं होता तो फिजिक्स कौन लिखता? केमिस्ट्री, एलिमेंट्री, मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, रामायण, महाभारत, गीता, सुख सागर, वेद पुराण, स्मृति, उपनिषद लिखता कौन? ये सारे लिखने वाले कौन है? यही मानव। और सारे शब्द कहां से निकले? यही मानव के अंदर से। साहब कबीर बीजक से कहते हैं शब्द हमारा तू शब्द का, कि शब्द मेरा गुलाम और ये दुनिया वाला शब्द का गुलाम बना हुआ है। सारे लोग जाप करने में लगे, जाप करते हैं रामायण के जाप, भरे रात में रामायण को इस पार से उस पार कर देगा, लेकिन रामायण के एक लाइन के अनुकूल इसका आचरण नहीं बन सकता। अब हर रात में पार के पार उतार देगा, इस पार से उस पार करेगा। बंधुओं, साहब कबीर पूछना चाहते हैं, हो गया समय, साहब कबीर तमाम लोगों से पूछना चाहते हैं किसका भजन होना चाहिए, कौन तुम्हारा हित है और तजना किसको चाहिए, तुम्हारा दुश्मन कौन है? बोलिए किसका भजन हो, तजा जाए किसको? साहब कबीर कहते हैं भजन तजन के बीच में, न भजो किसी को और न तजो किसी को। एक मोटरसाइकिल आपके पास है और 4 आदमी मांगने के लिए एक बार आया, किसको दीजिएगा? एक को दीजिएगा, 3 से झगड़ा होगा। मत दीजिए किसी को आज मोटरसाइकिल, अपने काम में ले जाइए, किसी को दुख नहीं होगा। तो भजन अपना शुरू कीजिए। साहब कबीर कहते हैं रे बंदे करी ले आप निवेरा, करी ले आप निवेरा, रे बंदे करी ले आप निवेरा, हो करी ले आप निवेरा, रे बंदे करी ले आप निवेरा, आप जियत लखुआ पठोर करू मुए कहाँ घर तेरा, यही अवसर नहीं चेत हूँ प्राणी। अपने तो बीड़ी पीते हैं भगैत गाते हैं, अपने तो मांस खाते हैं भगैत गाते हैं, अपने तो दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं, अब भगैत गाते हैं धर्मराज के गीत, अपनी भक्ति चल रही है। अपने तो मछली खाते हैं, छठी माई के व्रत कर रहे हैं, जितिया तीज कर रहे हैं, बैनाथ धाम जा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, अब मांस, अपनी भक्ति हो रही है।
अपनी गीत हो रही है, सारे लोग किसी का स्टेपनी बन गया, कोई राम के, कोई कृष्ण के, कोई महादेव के, कोई विष्णु के, कोई ब्रह्मा के, कोई सरस्वती के, कोई लक्ष्मी के, और कोई पार्वती के, सारा दुनिया स्टेपनी बना हुआ है और दूसरे की गीत गा रहा है। आपने मांस मछली चोरी दलाली बेईमानी घुसखोरी और बीड़ी सिगरेट गांजा भांग पी रहा है, अपनी भक्ति नहीं हो रही है, भक्ति अपनी होनी चाहिए। इसी धरती पर राम आए, कृष्ण आए, ब्रह्मा विष्णु महेश सीता सावित्री गायत्री धर्मराज दीना भद्री सब आए, सब अपना अपना काम करके गए। आज बारी मेरी है, मैं भी आया हूँ इसी धरती पर, आज मेरी बारी है, मैं भी तो अपना कल्याण करके चलूँ इस दुनिया से। आखिर राम के गीत गाने से हमारा कल्याण होगा और कृष्ण के गीत गाने से और शोखाकारी के गीत गाने से ये दुनिया वाला राग द्वेष में फंस कर और दूसरे की गीत गाने में लगा है, अपनी गीत नहीं हो रही है। जिस दिन अपनी गीत हो जाएगी उसी दिन आपका कल्याण हो जाएगा और सुंदर सब समाज का निर्माण हो जाएगा। बोलिए सदगुरु देव की।